का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अचानक परिवार के 5 बच्चे बीमार हो गए और 3 बच्चों ने 5 दिनों के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। वहीं मरने वाले बच्चों की उम्र 3 से 7 साल के बीच की बताई जा रही है। यह घटना थाना तेलहर क्षेत्र के रोशनपुर गाँव की है, जहाँ के रहने वाले एक मजदूर के बच्चे अचानक बीमार हो गए और बच्चों को पहले तेज बुखार आया और मुंह से झाग और खून निकलने के बाद 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 बच्चों की 5 दिन के अंदर मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर जांच पड़ताल की, लेकिन गांव में और कोई बच्चा इस तरह की बीमारी का शिकार नहीं पाया गया। परिवार के 2 और बच्चे हिमांशु और सोनी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि बच्चों का परिवार बेहद गरीब है, जिन्होंने 24 घंटे रखी हुई सब्जी खाई थी, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत होने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल बाकी बच्चों का इलाज अभी जारी है। उनकी डेथ हुई तो जो संज्ञान में आया कि उनको खून की उल्टी हुई और साथ साथ में पेट में दर्द हुआ और हल्की से फीवरस बॉडी हुई, और उसके बाद में वो जो बच्चे को लेकर के प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ दिखलाने गए और वहाँ से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल ला रहे थे तो एक जो बच्ची थी उसकी डेथ रास्ते में हो गई। उसके साथ साथ में जो उनका दूसरा बच्चा बीमार हुआ था उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, और जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में वहाँ उपचार हो रहा था और उपचार के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। और इसके बाद जब 15 तारीख को और जो बच्चा बीमार हुआ था उसको। शाहजहांपुर से जनमत न्यूज के लिए राजीव शुक्ला की रिपोर्ट।